जब एक कंपनी या उसके प्रमोटर्स अपने स्टॉक या शेयर पहली बार पब्लिक के लिए जारी करते हैं तो उसे आईपीओ कहा जाता है। ये ज़्यादातर छोटी नई कंपनियों से जारी किए जाते हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटल चाहती हैं, पर आईपीओस बड़ी प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज भी जारी कर सकती हैं जो मार्केट में बिजनेस करना चाहती हैं। कंपनीज को आईपीओ जारी करके अच्छा खासा एडिशनल फंड मिल जाता है जिससे वो अपना बिजनेस बड़ा भी कर सकती हैं और अपने लोन तक भी चुका सकती हैं। अब बात करते हैं कंपनीज का आईपीओ जारी करने का पर्पस क्या हो सकता है। पर्पस ऑफ आईपीओ। आईपीओ जारी करने का पर्पस किसी भी कंपनी या उसके प्रमोटर का कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कंपनीज और प्रमोटर वांट्स टू एक्सपेंड द बिजनेस, यानी कोई कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है और ऐसे में उसे पैसे की जरूरत होती है और ये पैसे वो आईपीओ जारी करके रेज कर सकती है। दे वांट टू राइट ऑफ देयर डेट, यानी कई बार किसी कंपनी ने मार्केट से काफी ज्यादा पैसा कर्ज के तौर पर उठा लिया होता है और अब वो अपना कर्जा चुकाना चाहती है। दे वांट वर्किंग कैपिटल। कई बार कंपनीज अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी उन्हें आईपीओ जारी करना पड़ जाता है। एग्जिट टू एंजल इन्वेस्टर्स। कई बार एंजल इन्वेस्टर्स या प्राइवेट इक्विटीज कंपनी से अपना पैसा वापस खींचना चाहती हैं, तो कंपनीज के प्रमोटर्स को उनका पैसा वापस करने के लिए भी अपना आईपीओ निकालना पड़ जाता है। अब कई लोग मुझसे ये सवाल बार बार पूछते हैं कि कंपनीज को कब तक फंड्स की जरूरत पड़ती है और वो कब अपना आईपीओ निकाल सकती हैं। देखिए, जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसके चार स्टेजेस ऑफ फंडिंग होती हैं। स्टेज वन में कंपनी के प्रमोटर्स अपने पर्सनल सेविंग से फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स की मदद से पैसा या फंड रेज कर लेते हैं, लेकिन जब बिजनेस एक्सपेंड होने लगता है तो उन्हें और फंड्स की जरूरत पड़ती है और वो तब स्टेज टू की तरफ बढ़ते हैं। स्टेज टू में एंजल इन्वेस्टर्स की जरूरत तब पड़ती है जब कंपनीज की ग्रोथ होने लगती है और तब एंजल इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाने लगते हैं। स्टेज थ्री में वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स अपना पैसा लगा देते हैं। फोर्थ स्टेज में जब कंपनी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और उसको एक्सपेंड करने, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए या फिर लोन चुकाने के लिए इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ती है और कंपनी अपने इन्वेस्टर्स आईपीओ जारी करके रेज करती है। प्रोसेस ऑफ आईपीओ। आईपीओ का सबसे पहला प्रोसेस होता है हायर एन इन्वेस्टमेंट और मर्चेंट बैंक। जब भी कोई कंपनी अपने स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो उसे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए, अगर मेरी कंपनी 22 यार्ड स्पोर्ट्स मीडिया एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो उसे एक इन्वेस्टमेंट बैंक का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये इन्वेस्टमेंट बैंक कौन से हो सकते हैं? ये इन्वेस्टमेंट बैंक मेजर बैंक हो सकते हैं, जिसमें एक्सिस, HDFC, ICICI या फिर कोई और बड़ा बैंक भी हो सकता है, जिसके अपने इन्वेस्टमेंट आर्म्स होते हैं जो मर्चेंट्स या इन्वेस्टमेंट करवाते हैं या आईपीओस लेकर आते हैं। तो बैंक्स का ये भी काम होता है कि वो आईपीओस लेकर आए। अब कोई भी कंपनी जो अपना आईपीओ लाना चाहती है वो इन्वेस्टमेंट बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड और रेपुटेशन चेक करती है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च चेक करती है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टीज चेक करती है, प्रायर रिलेशनशिप भी चेक करती है, डू डिलिजेंस एंड फाइलिंग्स। ये नेक्स्ट स्टेप होता है आईपीओ प्रोसेस का, जब इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी ABC का ड्यू डिलिजेंस करवाती है या फिर से लीगल प्रोसेस की शुरुआत होती है, और इसमें आता है अंडरराइटिंग, फर्म कमिटमेंट, जिसमें ये इन्वेस्टमेंट बैंक फर्म गारंटी ले लेता है कि हम ABC कंपनी का इशू निकाल लेंगे और गेन हुआ तो हमारा और अगर शॉर्टफॉल हुआ तो वो भी हमारा, यानी सारा रिस्क इन्वेस्टमेंट बैंक उठा लेता है। बेस्ट एफर्ट कमिटमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक इशू प्राइसिंग करने को तो तैयार हो जाते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन कितना होगा इसकी गारंटी लेने को कोई तैयार नहीं होता। सिंडिकेट अंडरराइटिंग, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट बैंक खुद तो गारंटी ले लेता है सब्सक्रिप्शन लाने का, लेकिन वो अपने टारगेट पूरा करने के लिए और वो भी दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंक की हेल्प से अपने सब्सक्रिप्शन का टारगेट पूरा करता है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल लिखी जाती है, बिजनेस और प्रमोटर डिटेल्स, जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स की डिटेल होती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंशन होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मेंशन होता है, फ्यूचर बिजनेस प्लान्स मेंशन होते हैं, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज मेंशन होती हैं, पास्ट फाइनेंशियल डेटा मेंशन होता है। बेसिकली बिजनेस के बारे में सारी डिटेल दी गई होती हैं जिससे वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सके। याद रखिए, कोई भी इन्वेस्टर भी
कंपनी पर पैसा तभी लगाता है जब उसे कंपनी की सारी डिटेल पता होती है, और रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। कॉम्प्लाइंसेस एंड फाइलिंग्स, सेबी, एनएसई, बीएससी, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट। थर्ड प्रोसेस प्राइसिंग, वैल्यूएशन ऑफ कंपनी लगाई जाती है। मान लीजिए अगर मेरी कंपनी 22 यार्ड्स का टोटल वैल्यूएशन 5000 करोड़ है, पर मैं सिर्फ 20% शेयर ही शेयर बेचना चाहता हूं, तो ऐसे में 1000 करोड़ के शेयर ही इशू किए जाएंगे, यानी मेरी कंपनी के पास अब 80% शेयर ही रह जाएंगे, बाकी पब्लिक के पास चले जाएंगे। इशू साइज ₹1000 करोड़, इशू प्राइस ₹100 पर शेयर, यानी मेरी कंपनी 1 करोड़ शेयर बेचना जा रही है जिसका प्राइस ₹100 पर शेयर है। लॉट शेयर, अगर आपको लगता है कि आपको बस कंपनी के 10 शेयर ही खरीदना है तो ऐसा नहीं होगा, आपको एक लॉट दिया जाएगा जिसमें आपको इतने फिक्स नंबर और शेयर खरीदने ही पड़ेंगे, यानी अगर आपको 100 लॉट मिनिमम खरीदना है तो आपकी 100 × 100 यानी कुल ₹10,000 के शेयर खरीदने ही होंगे मेरी कंपनी के। फिक्स प्राइस इशू, अब प्राइसिंग में भी दो टाइप के इशू आ सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक ने कह दिया कि हम पर शेयर का प्राइस ₹100 ही रखेंगे, अब जिसने इन्वेस्ट करना है करे और जिसने इन्वेस्ट नहीं करना है ना करे। ऐसे में खतरा ये भी बना रहता है कि इन्वेस्टर सौदे का थोड़ा महंगा माने और पैसा ना लगाएं। इस मेथड में कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा आ सकती हैं, हो सकता है वैल्यूएशन सही ना की हो जिससे इन्वेस्टर्स पीछे हट रहे हों। बुक बिल्डिंग इशू, आज के वक्त में प्रेफर्ड इशू होता है बुक बिल्डिंग इशू, जिसमें प्राइस बैंड रखा जाता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक पर शेयर प्राइस बैंड रखेगा, मान लीजिए पर शेयर 80 to 100 रुपये पर शेयर, और ऐसे में इन्वेस्टमेंट बैंक मार्केट की परफॉर्मेंस भी देख लेता है कि मार्केट इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंक अलग अलग इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं या फिर नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास जाते हैं जो थोड़ा सा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकें। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी अपना बिट लगा सकते हैं, और जब एक बारी सारे बिट कलेक्ट हो जाती है तो उस प्राइस रेंज में एक अमाउंट रखा जाता है। प्राइस बैंड के भी दो पार्ट होते हैं, जैसे 80 to 100 के बीच में 80 जो कि लोअर रेंज है उसे फ्लोर प्राइस बोला जाएगा, और 100 रुपीज़ को जो हायर रेंज है उसे कैप प्राइस बोला जाएगा। आपको याद रखना होगा कि डिफरेंस खाली 20% तक ही हो सकता है। एक बार प्राइसिंग तय हो जाने के बाद अगला प्रोसेस होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन का काम कंपनी जो अपने शेयर निकालना चाहती है और इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। ऐसे में वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स QIBs के पास जा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा मैनेज करते हैं, और वहाँ जाकर इन्हें वो मार्केट करेंगे, रोड शो वगैरह करेंगे। नॉन इंस्टीट्यूशन बायर के पास जाएंगे जो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और ये रिटेल इन्वेस्टर के पास भी जा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्टेज आती है एप्लीकेशन प्रोसेस की। इस स्टेज में IBs डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जिन QIBs नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने के बाद जैसा भी इंटरेस्ट जगाया है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस ज़्यादा भी हो जाए या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाए, और ऐसे में हर किसी को शेयर्स मिलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अलॉटमेंट की बात करें तो इसमें QIBs का कोटा 50% टफ होता है, नॉन इंस्टीट्यूशन बायर का 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स का 35% कोटा होता है। प्रोसेस लिस्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, शेयर अलॉट होने के बाद फाइनल स्टेज होती है लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज BSE, NSE, जहां पर भी ये कंपनी लिस्ट होना चाहती है वहां उसकी लिस्टिंग हो जाती है, और इसकी बिड या ऑफर 3 to 5 days ओपन रखा जाता है। आज के दिनों में एप्लीकेशन भी बहुत सिंप्लीफाइड होती है, जिसके तहत अब UPI भी SEBI ने अलाउ कर दिया है। पहले खाली ASBA एप्लीकेशन ही होती थी, इसका मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, यानी आपके अकाउंट के अंदर एक अमाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता था, और अगर आपको शेयर्स की अलॉटमेंट होगी IPO के अंदर तो ही आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, नहीं तो आपको उस अकाउंट में पैसे का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब UPI के थ्रू भी बहुत आसान हो गया है, पहले आप अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास भीम ऐप जैसा UPI ID है तो आप डायरेक्टली UPI की मदद से IPO अप्लाई कर सकते हैं। इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन IPOs? IPO आपके लिए जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए फोरकास्ट करना मुश्किल है कि शेयर अपने इनिशियल डेज के ट्रेड और नियर फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेंगे,
क्योंकि इनके पास कंपनी का एनालिसिस करने के लिए ज़्यादा स्टैट्स नहीं होते हैं। साथ ही ज़्यादातर आईपीओ उन कंपनियों के होते हैं जो एक टेम्प्रेरी डेवलपमेंट के दौर से गुजर रही होती हैं, इसलिए उनके फ्यूचर प्राइस को लेकर कुछ भी दावा नहीं किया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसे देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके।